भी हो गए होंगे। अब बात करते हैं analysis of data की, जो कि आपके मेथड्स ऑफ सम मेथड्स इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के बाद का टॉपिक है ठीक है अब देखो अभी तक आपने जो भी सारा कुछ पढ़ा चैप्टर के अंदर वो क्या था एक बार उसको रिकॉल करो आपने पढ़ा कि इंक्वायरी क्या होती है साइकोलॉजी में रिसर्च की जाती है किन चीजों पर की जाती है और साथ ही साथ में क्या सारी स्टेप्स होती है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी को करने की क्या गोल्स होता है एक साइकोलॉजिस्ट का या एक रिसर्चर का जब भी वो किसी तरह की रिसर्च कर रहा होता है स्टेप्स की हमने बात करी

मेथड्स में हमने क्या क्या पढ़ा योर ऑब्जर्वेशनल मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड को रिलेशनल रिसर्च सर्वे रिसर्च केस स्टडी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हमने तो यानी कि अभी तक आपको ये पता चल चुका है कि कौन कौन सी मेथड्स को यूज करके हम साइकोलॉजी में रिसर्च कर सकते हैं अब दो मिनट के लिए थोड़ा सा एक बार वो उस एक टॉपिक को समझते हैं कि स्टेप्स क्या क्या रही हैं साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में या जब भी आप साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हो तो कौन कौन सी स्टेप्स उसमें यूज होती हैं देखिए यहां पर स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रिसर्च ओके कौन कौन सी स्टेप्स इस इसके अंदर होती है तो सबसे पहली जो स्टेप होगी जो हमने डिस्कस किया था दैट इज योर कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम यानी कि आप किसी भी मतलब आप कोई तरह की साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल रिसर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहली स्टेप उसमें होगी कि आपको एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है आपका एक टॉपिक होना चाहिए कि आप किस चीज के ऊपर रिसर्च करने वाले हो ये फर्स्ट स्टेप होती है और इसी स्टेप में हम हाइपोथेसिस बिल्डअप करते हैं क्या बिल्डअप करते हैं हाइपोथीसिस हाइपोथीसिस क्या होता है आपका टेंटेटिव आंसर यानी कि ये जो एक प्रॉब्लम है ये जो एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम रिसर्च करने वाले हैं, उसका शायद सॉल्यूशन या उसका एक आंसर ये होने वाला है जैसे फॉर एग्जांपल, हमने एक चीज़ देखी थी कि बच्चों के अंदर एंगर इश्यूज़ क्यों होते हैं ये हमारा टॉपिक है तो हमने मतलब बच्चे हमारे पास में जो चिल्ड्रन है वो टेन टू सिक्सटीन ईयर्स एज के बीच में है तो हमने उसका एक टेंटेटिव आंसर ये बनाया एक हाइपोथेसिस ये बिल्डअप किया कि जितने ज्यादा बच्चे चिल्ड्रन जब टीवी के ऊपर वायलेंस जैसी चीजें देखते हैं या ऐसे बहुत ही अग्रेसिव चीजों को देखते हैं लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सारी चीजें देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीज आने लग जाती है और वो हमको उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने लग जाती है ये हमने एक इसका हाइपोथिस बना लिया अब हम इसके ऊपर पूरी रिसर्च करेंगे और रिसर्च के बाद में हम देखेंगे हमारा हाइपोथी सही है या नहीं है तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है कंसेप्टुलाइजिंग अ प्रॉब्लम सेकंड स्टेप हमारे पास में होती है डेटा कलेक्शन सेकंडली हम क्या करते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं अब डेटा किन से कलेक्ट करेंगे कैसे कलेक्ट करेंगे कौन सी मेथड्स होंगी कौन सा टूल्स होगा क्या प्रोसेस होगा वो सारा कुछ हम इस मेथड के अंदर करते हैं थर्ड मेथड होती है हमारी ड्राइंग कंक्लूजंस थर्ड मेथड क्या है ड्राइंग कंक्लूजन एंड योर फोर्थ मेथड इज Revising hypothesis. Revising hypothesis. ये बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ अब सबसे पहले एक प्रॉब्लम थी अब उसके लिए हमने डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी अब हम बनाएंगे उसको लेके कंक्लूजन तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में गैदर हुई है हम उसको हम उसको एनालाइज करेंगे उसमें सारी चीजों को देखेंगे समझेंगे कि मतलब जो भी हमारे पास में डेटा है उससे हमको क्या देखने को मिलता है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं आपको दू कि जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करती हैं ओके तो टेस्ट उन्होंने कंडक्ट किया क्लास में आप सभी के पास में एक पेपर था आप सभी ने उस में जो भी क्वेश्चन था उसके आंसर दिए जैसे सपोज टू आपसे पूछे गए थे आपने आंसर दे दिए अब वहां पर टीचर ने आप सभी से आपके टेस्ट पेपर्स को जो है कलेक्ट कर लिया और आप सभी चले गए टीचर भी गई अब टीचर क्या करेंगी ये जो आपके सारे टेस्ट पेपर उनके पास में है वो उनको चेक करेंगी उनको चेक करेंगे और देखेंगे किसके ज्यादा मार्क्स आए हैं किसके कम मार्क्स आए हैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ठीक है तो सेम वे में क्या होता है कि जब हमारे पास में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है तब हम उसको करते हैं एनालाइज ओके हम तब उसको क्या करते हैं

After data is collected, the next job of the researcher is to draw conclusions, and this requires analysis of data. Now, we generally use two methodological approaches for the analysis of the data, and these are quantitative method and qualitative method. अब अगर हमको हमारे रिसर्च के कंक्लूजन पर पहुंचना है तो उससे पहले हमको डेटा को एनालाइज करना होगा और डेटा को एनालाइज करने के लिए दो अप्रोचेस होते हैं या दो तरीके होते हैं दो मेथड्स होती हैं एक होती है आपकी क्वांटिटेटिव मेथड और एक होती है आपकी क्वालिटेटिव मेथड एक जहां पर हम क्वांटिटी की, की बात कर रहे हैं यहां पर आप किसकी बात कर रहे हो क्वांटिटी की बात कर रहे हो और यहां पर आप क्वालिटी की बात रहे हो ओके डिफरेंस समझ में आता है क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच में आता ही होगा मतलब क्लास के स्टूडेंट्स तो so इतना तो बेसिक समझ में आता होगा क्वांटिटी जहां पर आप किसी चीज को मेजर कर सकते हो इन नंबर्स और इन रेटिंग स्केल लेकिन क्वालिटी जहां पर आप उसकी क्वालिटी पर बात करते हो उसको आप मेजर नहीं कर सकते लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी कैन नॉट बी मेजर्ड ओके सो ऑनेस्टी क्या है ऑनेस्टी क्वालिटी है लेकिन एक टेबल की लेंथ को आप मेजर कर सकते हो या फॉर एग्जाम्पल एक रूम के अंदर आपकी क्लास के अंदर

ये आ गया यहां तक समझ में अब बात करते हैं देखो सबसे पहले हमारी क्वांटिटेटिव मेथड की so, now, test, ये आपको पता है। मतलब अभी तक आपने क्वेश्चन के बारे में भी पढ़ लिया आपने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के बारे में भी पढ़ लिया आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में भी पढ़ लिया किन चीजों की बात करें देखो ये मैं इरेज uh, कर देती हूँ साइकोलॉजिकल okay? टेस्ट दैट मीनस पीटी देन योर क्वेश्चन आयर क्वेश्चन आयर ओके एंड देन योर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ये तीन चीजों को कहा जा रहा है कि ये तीनों अभी तक आपको क्लियर हुए होंगे और ये तीनों में क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन अब questions क्या होते हैं जहां पर आपको questions के लिए बहुत जो है, मतलब, आ, मतलब एक तरीके से बीच में जो है आपको उसकी रैंकिंग करनी है तो फॉर एग्जाम्पल आपने उसकी एट रैंकिंग करी तो यहाँ पर आपके पास में ज्यादा फ्रीडम नहीं है आपके पास में ज्यादा लिबर्टी नहीं है कि आप उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सको जो क्वेश्चन पूछा है आपको उसका ऐसे आंसर देना है. जैसे फॉर

जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आपको उसको जो है मतलब आपको बताना है कि वो सिस्टम कैसा है क्या आप उससे बहुत ज्यादा खुश हो तो आपको एक तरीके से ऐसे ऑप्शंस दे दिए फर्स्ट इज आप बहुत ज्यादा खुश हो सेकंड, आप थोड़े बहुत खुश हो थर्ड आप बिल्कुल भी ना ही खुश हो ना ही दुखी हो फोर्थ आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो और फिफ्थ आप बिल्कुल भी उस चीज से खुश नहीं हो तो अब आपको इन फाइव पॉइंट्स में से आपको आंसर करना है है कि आप क्या जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उससे बहुत ज्यादा खुश है तो आपने क्या दे दिया फर्स्ट नंबर पे आपने उसको टिक कर दिया तो ये होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है ना इतना तो क्लियर ही होगा ना ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है बट इस तरीके से जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आपसे क्वेश्चन आई स्ट्रक्चर इंटरव्यूज या फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं

और यहाँ पर रिस्पॉन्स की क्या स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड जो है उन सारी चीजों को मेजर किया जाता है और मेजर किया जाता है तो जैसे रेटिंग स्केल को यूज किया जाता है तो जैसे मैंने अभी आपको यहां पर बताया ये वन टू थ्री फोर फाइव का एग्जाम्पल तो ये आपके रेटिंग स्केल के ही अंदर आता है या फॉर एग्जाम्पल आपको वन टू टेन किसी चीज़ को रेट करने के लिए कहा जाता है तो आप उसको रेटिंग कर देते हो तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल को आप ओवरऑल परफॉर्मेंस में पढ़ाई में भी और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी फैसिलिटीज में भी हर एक चीज में मैनेजमेंट में भी आप अपने स्कूल को वन मतलब वन से लेकर टेन के बीच में कितने पॉइंट्स देते हो तो फॉर एग्जाम्पल आपने नाइन पॉइंट दिए या आपने टेन पॉइंट्स दिए तो वो एक रेटिंग स्केल वहां पर हो जाती है पार्टिसिपेंट्स right, right अब जनरली क्या होता है जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आप उसको रैंकिंग दीजिए या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपसे ऐसे पूछा गया कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है आप जिन भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करते हैं क्या आपको उसमें एक सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ मिलता है तो अब उसमें कुछ लोगों को मिला होगा तो वो हां बोलेंगे हो सकता है कुछ में नहीं हो तो उन्हें ना को आंसर कर दिया तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं आपको उनके आंसर देने पड़ते हैं अब क्या होता है जनरली कभी कभी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सही आंसर भी दे सकते हैं गलत आंसर भी दे सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके सामने आया कि आपने जो है सिक्योरिटी कैमरा देखा है या नहीं देखा है अब जनरली अगर आपने देखा है तो तो आप हाँ बोल दोगे हो सकता है बस या आपके ऑटो जिस भी चीज़ से आप ट्रेवल कर रहे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टैक्सी है जो भी है तो उसमें कैमरा था बट आपका ध्यान नहीं गया तो आपने नोट टिक कर दिया तो कहीं ना कहीं सही गलत हर एक तरीके के रिस्पॉन्सेज उसमें आते हैं रिसर्चर अंसबर टू ईच आंसर नॉर्मली वन फॉर राइट आंसर क्या होता है कि अब देखो राइट और रॉन्ग आंसर बट फिर भी जो ज्यादातर एग्जाम्पल अगर हंड्रेड लोगों से हमने डेटा कलेक्ट किया है तो एटलीस्ट उसमें एट्टी पीपल का जो आंसर होंगे वो कहीं ना कहीं सही ही होंगे मतलब जो चीज उन्होंने देखी होगी उसी को वो आंसर करेंगे ट्वेंटी पीपल्स के आंसर जरूर थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं तो जनरली रिसर्चर क्या करता है जब उसके पास में डेटा कलेक्टर

ठीक है अपने डिस्ट्रिक्ट में उसने अराउंड 200 पीपल से डेटा जो है उसको कलेक्ट कर लिया अब इसमें जब उसके पास में 200 लोगों का डेटा होगा तो वो आराम से बैठेगा उस डेटा को एनालाइज करेगा और उसमें वो देखेगा कि जैसे मान लो कितने लोगों ने बोला है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से खुश है तो वो जितने भी लोगों ने बोला होगा तो वहां पर वो, वो वन पॉइंट एड कर देगा मतलब एक पर्सन का वन पॉइंट और जहां पर उसने देखा कि ये पर्सन खुश नहीं है तो उसने जीरो पॉइंट दे दिया तो मतलब हर एक आंसर को लेके पॉइंट होता है अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था सिक्योरिटी कैमरा को लेके तो उसने देखा कि जितने लोगों ने बोला सिक्योरिटी कैमरा है तो अगेन वन वन पॉइंट ऐड होता चला गया और जितने लोगों ने मना किया तो वो जीरो जो है नंबर उसको देता चला गया तो जनरली क्या हो रहा है मार्किंग हो रही है कि हाँ इन पैरामीटर्स पे हमारे यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बिल्कुल सही है और कुछ पैरामीटर्स पर सही नहीं है तो यहाँ से वो एक डेटा को एनालाइज करना स्टार्ट करेगा एट द रिसर्चर कैल्कुलेट द टोटल ऑफ ऑल दीज नंबर एट एन अग्रीगेट स्कोर विच टेल्स अबाउट द पार्टिसिपेंट्स लेवल ऑन दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस एकेडमिक इंटेलिजेंस एक्सेट्रा फिर इसके बाद में क्या होगा जैसे जनरली होता क्या है एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं जैसे मैंने आपको टीचर का बोला था कि आपकी टीचर ने आज कोई टेस्ट कंडक्ट किया है वो क्लास में आई ट्वेंटी स्टूडेंट्स थे ट्वेंटी स्टूडेंट्स से उनको उन्होंने टेस्ट पेपर दिया उसमें दो क्वेश्चन थे आपको दो क्वेश्चन को आंसर करना था इसके बाद में उन्होंने आपसे आपके टेस्ट पेपर कलेक्ट किए और वो चली गई ठीक है अब टीचर चली गई टीचर क्या कर रही है आपके जो भी आंसर्स हैं उनको चेक कर रही है अब जब उन्होंने आंसर्स को चेक किया तो उन्होंने देखा कि कोई एक स्टूडेंट है जिसने बहुत अच्छे से सारे आंसर्स को लिखा है कुछ स्टूडेंट्स ने एवरेज लिखा है कुछ

इसके मैथ्स में सेवेंटी मार्क्स हैं इसके हिंदी में नाइन्टी मार्क्स हैं इसके इंग्लिश में एट्टी फाइव मार्क्स हैं और और भी ऐसे दो तीन सब्जेक्ट और हैं जैसे सोशल मान लो या और भी मान लो तो उसमें जो है इस स्टूडेंट के कहीं पर इसके फोर्टी फाइव मार्क्स हैं तो कहीं पर इसके नाइन्टी फाइव मार्क्स हैं

स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का तो यहाँ पर भी रिसर्चर क्या करता है, जब उसके पास में आता है तो उस डेटा को कैलकुलेट करके एक एग्रीगेट स्कोर लेकर आता है क्या लेकर आता है एक एग्रीगेट स्कोर लेकर आता है जो स्कोर ये भी बताता है कि सबसे पहली चीज तो कितने स्टूडेंट्स सॉरी uh, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कितने लोग थे रिसर्च में और उनने किस तरह से रिस्पॉन्सेज दिए हैं कितने रिस्पॉन्सेज का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मेरे पास में है कहां पर इंटेलिजेंस लेवल को यूज किया गया एक्सेक्ट्रा एक्सेक्ट्रा तो ऐसे करके डेटा को पूरा जो है एनालाइज किया जाता है

बहुत ज़्यादा है, उसको वन मिल गया। कोई पर्सन साइड है तो उसको जीरो मार्क्स मिल गया तो इस तरीके से जनरली क्वांटिटी में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं हम क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ रहे हैं देन देयर इज क्वालिटेटिव मैथड तो जनरली आपकी जो क्वान्टिटेटिव मेथड है उसमें क्या एक चीज होती है कि जो भी आपने रिसर्च किया है और उसके थ्रू जो भी डेटा आपके पास में आया है जब आप उस डेटा को एनालाइज करते हो तो आप उसमें कुछ नंबर्स अलॉट कर देते हो आप डेटा को क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते हो दैट इज योर क्वान्टिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा क्लियर है ये आया यहां पर समझ में अब आप जो आपकी नेक्स्ट मेथड है दैट इज क्वालिटेटिव मेथड जो किसकी बात करती है क्वालिटी की बात करती है नाउ Human experiences are very complex. The complexity is lost when one elicits information from a respondent on the basis of a question. अब जैसे कि यहाँ पर ये एक जा रही है कि human के जो अपने experiences होते हैं बड़े complex होते हैं Even human beings ही अपने आप में बहुत ज्यादा complex होते हैं और बहुत से ऐसे parameters होते हैं जिनको आप quantity में या जिनको आप numbers में convert नहीं कर सकते हो ठीक है ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप numbers में convert नहीं कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी

बच्चे को खो दिया है तो उसकी जो सफरिंग होगी जिस तरह से उसने इस पूरे पेन को बियर किया है वो क्या आप नंबर्स में बता सकते हो क्या आप उसको वन टू थ्री फोर बता सकते हो बता सकते हो क्या ऑब्वियसली नहीं बता सकते हो बस उस एक चीज को फील किया जा सकता है क्या किया जा सकता है बस उस एक चीज को फील किया जाता है तो यहां पर भी यही बताया जा रहा है कि उसकी स्टोरी आपको कब समझ में आएगी जब आप उसको सुनोगे जब आप उसके एक्सपीरियंस को समझोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ उसने क्या क्या सफर किया है अपने बच्चे को खोने के बाद में सो एनी अटैम्प्ट एट इट्स क्वांटिफिकेशन विल नॉट एनेबल यू टू गेट इट द प्रिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सच एक्सपीरियंस तो जैसे कि आपने देखा है एक्सपीरियंसेस आपने पढ़ा कि एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव होते हैं एक्सपीरियंसिस तो कोई कोई like okay, इवन आपने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपका टेंथ बोर्ड का एग्जाम था आपने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया एक एग्जाम्पल में आपको देती हूँ ठीक है तो अब वो जो एक आपके अंदर होगी वो जो एक प्राउड फीलिंग आपके अंदर होगी वो शायद आपका वो best friend भी feel नहीं कर पाएगा है ना? जो चीज़ आप आप कर रहे हो, क्यों? क्योंकि experiences are subjective in nature, तो यहां पर अगर आप उस मदर के experience को quantity में convert करने की कोशिश करोगे तो आप उसकी सफरिंग को उसके एक्सपीरियंस को कभी भी नहीं समझ पाओगे सो साइकोलॉजिस्ट एनालिसिस और इस तरह से जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने डेटा को इस तरह से क्वालिटेटिव मेथड में समझने के लिए बहुत सारे ऐसे मतलब टूल्स वगैरह जो है वो बनाए हुए हैं या एनालिसिस की मेथड्स बनाए हुए हैं जिसमें से एक है नैरेटिव एनालिसिस क्या है नैरेटिव एनालिसिस नाउ डेटा आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ स्कोर्स सो वेन द रिसर्च यूज द मेथड ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू द डेटा are generally in a form of descript, description and in participants' own words. So, field notes taken by the researchers and photographs, interview responses noted by the researcher, taped video recording, informal talks, etc., अब यहाँ पर ये एक चीज कही जा रही है कि आपने देखा है जब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है या फिर जब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या जहां पर हमारे पास में एक सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर नहीं होता है जहां पर आप मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है सामने वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हो और वो आपको आंसर देगा ठीक है और यहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये कि आप आंसर को अपने शब्दों में दे सकते हो आप अपने वर्ड्स में आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे खुश हो या नहीं हो और मैंने आपको ऐसी कोई चॉइस नहीं दी कि येस और नो और डू नॉट नो वाली तो आप अब मुझे बताओगे कि हाँ थोड़े हम खुश तो है बट स्टिल हम चाहते हैं कि हमारे यहां पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस

क्वांटिटेटिव डेटा है वो स्कोर्स से रिलेटेड है जहां पर आप चीजों के लिए स्कोर्स या नंबर्स देते हो लेकिन जो क्वालिटेटिव है जहां पर आप नंबर्स या स्कोर्स नहीं दे सकते जैसे ह्यूमन एक्सपीरियंसिस की हमने बात करी तो दैट इज योर क्वालिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा को एक्सप्रेस करने के लिए जनरली जो आपका रिसर्चर होता है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है या थीमेटिक कैटेगरीज जो है उसकी बना देता है अब ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह जो है ये आप अपने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे अभी उसको डिटेल में नहीं बताया गया है तो जस्ट इस एक चीज को समझो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू उसको बताया जाता है इट इज मोर डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव इन नेचर सो इट मस्ट बीट क्वान एंड्रोडिक्टी राटरी टू इच अदर तो ये बल्कि डिस्क्रिप्शन पर, पर ज्यादा फोकस करते हैं तो दोनों के बीच क्या हो गया कि क्वालिटेटिव ये क्यू एल मतलब क्वालिटेटिव जहां पर हम डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं and क्यों एंड मतलब क्वांटिटेटिव जहां हम इस course के ऊपर ज्यादा फोकस करें तो इस तरह से नोट डाउन कर लो आगे भी ये चीज याद रहेगी अब देखो एक मेजर डिफरेंस है डिफरेंस ये है कि ये दोनों मेथड्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती हैं मतलब ऐसा नहीं है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के अगेंस्ट में है या क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के अगेंस्ट में है बल्कि दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों ही जो है रिसर्च में यूज में आती हैं ऐसा नहीं है कि कोई रिसर्चर है तो वो सिर्फ इनमें से किसी एक मैथड को यूज करके ही डेटा को एनालाइज करेगा वो हो सकता है दोनों मैथड को भी यूज कर ले तो दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री ही होती हैं और अगर किसी फिनमिना को हमको एज ए टोटल समझना है उसकी टोटैलिटी को समझना है तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मस्ट होता है क्लियर है ये भी आगे यहाँ पर समझ में तो इस तरह से डेटा को एनालाइज किया जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में गैदर है अब हम उसको एनालाइज़ करेंगे अब हम उसको समझेंगे पढ़ेंगे उस पर जो है ध्यान देंगे उसको पूरा एनालाइज करेंगे उसमें स्कोर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं उसकी क्वालिटी पर भी फोकस कर सकते हैं डिस्क्राइब भी कर सकते हैं और इस तरीके से जो हमारा पूरा डेटा है वो हो जाता है एनालाइज और डेटा एनालिसिस के बाद में जब हमने पूरा डेटा जो है एनालाइज कर लिया होता है तब फिर हम पहुंचते हैं एक कंक्लूजन के ऊपर कि जो भी हमारे पास में रिजल्ट है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो लोग हैं वो खुश हैं या नहीं है तो सारा कुछ डेटा एनालाइज करने के बाद में सारे स्कोर्स के बाद में सारा क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन जो भी हम मेथड यूज करते हैं उसके बाद में हमें कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और वो हमारा कंक्लूजन होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लोग हमारे यहाँ पर खुश हैं या नहीं है जो भी आपका आंसर होगा अगर है तो वो आपके रिसर्च का कंक्लूजन हो जाएगा क्लियर है आगे ये भी यहाँ पर समझ में सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एनालिसिस ऑफ डेटा अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम बात करेंगे सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की इन डिटेल ओके okay, सो so बस जाते जाते एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको मैं देते जाऊं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है तो देखिए सारे लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं यूट्यूब पर साथ ही साथ में आपको चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रस का ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो अभी इसके बाद में भी ऐसा लगता है कि सारी चीजें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बिल्कुल ऑर्डर में सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए ज्यादा कोई दिक्कत ना हो तो बहुत ही छोटा सा काम आपको करना है बस आपको गूगल पे जाना है और आपको एंटर करना है डब्ल्यू आप जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन

बस आपको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताना है ताकि वो भी 100% परसेंट फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके विथ बेस्ट ऑफ दी टीचर्स सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू वेरी मच